हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन है क्या, ये कैसे बनता है और इसका यूज क्या क्या है। हम लोग तीनों चीज देखेंगे, है ना, कि फैक्टराइजेशन है क्या, बनता कैसे है, इसका यूज क्या क्या है, तीनों देखेंगे। क्योंकि जब आगे इन द फ्यूचर क्लासेस में चले जाओगे, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में, तो बहुत ऐसी जगह होगा जहां पे आपको फैक्टराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से ही बनेगा, है ना। फैक्टर में उसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। फैक्टर में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो वही फैक्टर में तोड़ना ही हमारा बेसिकली क्या कहलाया जाता है, फैक्टराइजेशन कहलाया जाता है। जो कि अगर हम इसके वर्ड पे फोकस करें, है ना, वर्ड पे फोकस करें तो क्या है फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या है, ये फैक्टर वर्ड से बना हुआ है। तो फैक्टर आप सबको पता है कि फैक्टर है क्या, है ना। फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर हमारा किसी नंबर का वो नंबर होता है जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे अगर हम बात करते हैं 12, तो हम 12 को लिख सकते हैं 3 into 4, है ना। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 4। तो 3 into 4 कहने का मतलब क्या है ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा कि जो है। 12 है, रिकॉर्डिंग अब हो रहा हुआ। है, जो 12 है वो 12 जो है, 3 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है ना। 3 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर फैक्टर किसी नंबर का वो नंबर होता है जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। यदि 3 12 को डिवाइड कर रहा है तो 3 फैक्टर है 12 का, ठीक है। यदि 4 12 को डिवाइड कर रहा है तो 4 फैक्टर है 12 का। सिमिलरली इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 into 2, है ना। इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, 6 into 2। तो 6 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 6 फैक्टर है 12 का, है ना। और 2 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, फैक्टर है 12 का, है ना। यानी फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है कि फैक्टर सर किसी नंबर का वो नंबर है, किसी नंबर का वैसा नंबर है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, जो इसको पूरी तरह से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये सिर्फ नंबर में ही ना रह करके, है ना, वेरिएबल टर्म में भी हमारा होगा, है ना। नंबर में ही ना रह करके वेरिएबल टर्म में ही होगा। जैसे अगर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई, है ना। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, है ना, एक्स इंटू वाई। तो कहने का मतलब है ये एक्स से ये एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड है ना, इक्वल टू है ना, इक्वल टू है। ये एक्स से ये एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड है, ये एक्स से एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड है। तो जो ये एक्स है, जो ये पार्टिकुलर टर्म है, ये जो पार्टिकुलर टर्म है वो इस टर्म का फैक्टर है। ये पार्टिकुलर जो टर्म है वो इस टर्म का क्या है, फैक्टर है। यानी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर कोई भी टर्म को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी टर्म को प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम मल्टीपल कर ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो टर्म हमारा ऑब्टेंड होता है, जो टर्म हमारा ऑब्टेंड होता है, वो टर्म हमारा कहलाता है उस नंबर का फैक्टर, है ना। वो टर्म हमारा कहलाता है उस नंबर का फैक्टर कहलाता है ना। तो हमारे पास ये क्लियर है कि सर फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले थे, तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला वर्ड आया फैक्टर। तो फैक्टर इज दैट नंबर, और ये वेरिएबल है ना, या फिर दैट क्वांटिटी बोल लो, फैक्टर इज दैट क्वांटिटी, है ना, विच इज डिवाइड अ पार्टिकुलर नंबर और क्वांटिटी, विच इज डिवाइड अ पार्टिकुलर नंबर और क्वांटिटी, देन द नंबर, यानी देन द नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना, फैक्टर ऑफ दैट क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका फैक्टर। अब हमारा जो प्रोसेस है वो है फैक्टराइजेशन, है ना। तो इसका बेसिकली दो डिफिनेशन है ना। फैक्टराइजेशन कहने का मतलब है कि इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। फैक्टराइजेशन कहने का मतलब सिर्फ एक ही लाइन है, पहला लाइन कि फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या है कि इन प्रोडक्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे, या फिर इसको हम दूसरा नाम से इस तरह से भी जान सकते हैं, इट इज द रिवर्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये हमारा क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। फैक्टराइजेशन का वैसे हम लोग दो या दो से अधिक भी डिफिनेशन दे सकते हैं, हम लोग बहुत डिफिनेशन दे सकते हैं, है ना। इसको हम लोग बहुत डिफिनेशन के फॉर्म में ले सकते हैं। पहले फैक्टराइजेशन को हम लोग इस तरह से जान सकते हैं कि एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, है ना। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, या इट इज द प्रोसेस इन विच बी अ स्प्लिट। अगर हम लोग
बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोल देते हैं यहाँ पे, इट इज द प्रोसेस इन विच बी स्प्लिट द हायर डिग्री ऑफ, अभी तो आप लोग पोलिनोमियल नहीं पढ़े हो है ना, एट क्लास वाले बच्चे पोलिनोमियल नहीं पढ़े, लेकिन जैसे अगर हम 9-10 में जाते हैं तो हमें पोलिनोमियल लिखते हैं, लेकिन एट क्लास वाले बच्चे सिर्फ अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट द हायर डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंटू लोअर डिग्री, है ना, लोअर डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब तक जब तक हमारे पूरी तरह से टूट ना जाए। हालांकि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बेटर वर्ड होता पॉलिनोमियल, है ना, बेटर वर्ड होता पॉलिनोमियल, इसको हम फिलहाल पॉलिनोमियल ही देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉलिनोमियल को भी हम आपको समझा देंगे, है ना। इट इज द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट द हायर डिग्री पॉलिनोमियल इंटू द लोअर डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो तीनों का मतलब हम आपको समझाते हैं, तीनों एक ही चीज कह रहा है, तीनों कोई अलग अलग चीज नहीं कह रहा। पहला क्या कहा है सर, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब होता है एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। एग्जांपल लो, जैसे कि अगर हम 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 into 2, तो 16 को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यही हमारा क्या कहला गया, फैक्टराइजेशन कहला गया। जैसे एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दिए एक्स इंटू एक्स, है ना जी, एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दिए एक्स इंटू एक्स, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, फैक्टराइजेशन कहला रहा है। अच्छा दूसरा क्या शो कर रहा, दूसरा क्या शो कर रहा सर, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है भाई, तो 11 into 5 55, 11 into 5 क्या हो गया 55 हो गया, 11 into 5 क्या हो गया 55, इसका उल्टा करो, रिवर्स प्रोसेस करो, तो रिवर्स प्रोसेस ये इधर आ गया, तो 55 इज इक्वल टू 11 into 5। ओ यानी कि ये कहला गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये कहला गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये कहला गया आपका फैक्टराइजेशन, है ना। एक चीज कहला गया हमारा मल्टीप्लीकेशन और दूसरा चीज कहला गया एक्सप्रेस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा एक्सप्रेस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म कहने का मतलब है बच्चों किसको, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। एक्सप्रेस मतलब दर्शाना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही कहलाता है एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। किसी भी नंबर को देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वही हमारा कहला रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम इसका एग्जांपल दिए आपको, आइए क्या दिए, ये हम क्या लिखेंगे, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फैक्टराइजेशन आपका क्या है, रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन का। जैसे मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, 11 into 5 55, दिस इज आवर मल्टीप्लीकेशन, है ना, 11 into 5 यहीं पे लिखो ना, 11 into 5 देखो यहाँ पे 11 into 5 ये हो गया 55, तो ये आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका क्या है बच्चों मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसको उलट दिए, उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो 55 को लिख सकते हैं 11 into 5, तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन, है ना, ये आपका क्या हो गया बच्चों फैक्टराइजेशन, तो कुछ और नहीं यही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, किसके फॉर्म में लिखा हुआ, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि फैक्टराइजेशन का अगर हमसे डिफिनेशन पूछा जाए तो हम बोलेंगे इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर इट इज द प्रोसेस इन विच बी स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, तो आप सिर्फ ये समझिए हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब, हम बोल दिए एक्स पे पावर 4 और y पे पावर 2 बोल दिए सेकंड के लिए, तो डिग्री बड़ा है, है ना, डिग्री बड़ा है, यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझिए या पॉलिनोमियल समझिए, दोनों में से कोई एक ही समझ लीजिए, आगे की क्लासों में हम आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच का डिफरेंस बताएंगे, है ना, वो डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो बताएंगे, अभी इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझिए, पॉलिनोमियल समझिए। तो हम क्या बोले, इट इज द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट द हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बड़ा से बड़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को तोड़ते हैं, ये हायर डिग्री, डिग्री ज्यादा, डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर, तो हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को ब्रेक डाउन किए किसमें, किसमें, स्प्लिट इनटू लोअर डिग्री, यानी कम डिग्री वाले में तोड़े, तो कम डिग्री वाले में तोड़े तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई, देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 4 ही ना, बाई इंटू बाई तो बाई पे पावर हमारा स्क्वायर ही होगा ना, तो हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लोअर डिग्री में टूट गया,
है ना, हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लोअर डिग्री में टूटा, तो ये हमारा कल आ गया फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा क्या कल आ गया बच्चों, फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली हमको थर्ड वन वाला ही पढ़ना है मेनली, मेनली जो आपको पढ़ना है वो आपको थर्ड वन वाला ही पढ़ना है। ये दोनों तो ऐसे मतलब समझने के लिए दिखा दिया गया है, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला दे दिया गया है ना, इसको समझने के लिए दे दिया है। तो हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच बी स्प्लिट द हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिखो यहाँ पे, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा चीज लिख सकते हो, पॉलिनोमियल लिख सकते हो, एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कुछ भी, इनटू द लोअर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि आपको अब बेसिकली एक चीज माइंडसेट हो गया कि ओ कोई बहुत बड़ा टर्म रहेगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। हाँ, तो बस वही बात करना ही है कि आपके पास एक बड़ा टर्म रहेगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, आपके पास एक बड़ा टर्म रहेगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, आपके पास एक बड़ा टर्म रहेगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, आपके पास एक बड़ा टर्म रहेगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलिए, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, आइदर यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट इट, है ना, इट विल सेव योर टाइम। आई एम डिलीटिंग इट, आई एम इरेजिंग इट, इरेज कर दे। बोलिए, स्क्रीन शॉट ले लियो ना सब लोग, स्क्रीन शॉट लेकर के नोट्स बना करके हमें होमवर्क में सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोसेस सीखते हैं इसका निकालने का, है ना। तो सबसे पहले इजी इजी टॉपिक लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5x + 20 कि सर इसको ना, ये हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है ना। दूसरा है 2n² + 3n, है ना। और तीसरा हम लेते हैं, 3x² 6y², 3x² - 6x² है ना। हम आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, है ना, हम आपको तीन क्वेश्चन दिए बच्चों, एक मिनट का हम टाइम देते हैं, एक मिनट का, अभी तो हम एक भी क्वेश्चन आपको बताए भी नहीं है, पहले हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आपको हम कुछ कुछ टाइम देंगे और आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन 5x + 20 है, तो ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको माइंड में सेट कर लेना है इसको हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है बच्चों, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो, अब आया कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट, कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट ही आपको सीखना है। तो किसी भी टर्म में ना कुछ कुछ टर्म छुपा हुआ रहेगा, किसी भी टर्म में कुछ कुछ टर्म छुपा हुआ रहेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ध्यान से देखिएगा, 5x में 5 × x है, प्लस 20 में 5 × 4 है, है ना। 5x में 5 × x है और 20 में 5 × 4 है, तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। जब दो चीज दोनों में रहे, एक चीज दोनों जगह रहे, तो उसको हम बाहर निकाल के कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे बेटा तुम बाहर चलो, तुम दोनों में इंक्लूड है ना, तुम बाहर चलो, है ना, तुम तो दोनों में है। तो इसको कहेंगे 5 को हम बाहर निकालेंगे, अब यहां से लिखेंगे हम ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये हो गया कि फिर दोनों में इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर 5 × x में से 5 हम बाहर निकाल लें, तो भाई साहब के पास बचा क्या, अरे 5 तो बाहर ही निकल गया, 5 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या इसके पास, x बचा, है ना, है ना। 5x में से हम इसमें से भी 5 निकाल लिए, इसमें से भी 5 निकाल लिए, तो 5x में से 5 निकल गए, तो यहाँ पे बचा x, ये प्लस का प्लस, और इसमें भी तो 5 बाहर निकल गया ना, इसमें भी 5 क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इससे भी जब 5 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4, है ना, यहाँ पे हमारा क्या बचा, 4। तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये सर 5 × x + 4 हो गया, है ना। कोई कहेगा सर हमको चेक करना है, वी हैव टू चेक, वी वांट टू चेक कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो ठीक है बेटा चेक करो, है ना। हम लिखेंगे 5x + 4, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, अगर ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यू हैव टू सपोज दैट देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दैट टू टर्म, है ना, उन दोनों के टर्म के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वी हैव टू सपोज कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 × x, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5x हो गया, और फिर 5 × 4 से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 × 4 = 20 हो गया, है ना। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था एक, और ये उसका फैक्टराइजेशन बना, है ना, ये उसका क्या बना बच्चों, फैक्टराइजेशन बना। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसको भी सॉल्व करना चाहेंगे, तो ये भी हमारा सॉल्व होगा, है ना। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन है, n यहां पे भी है, n यहां पे भी है,
कॉमन निकालना है हमें, है ना, जो दोनों में है उसको बाहर निकालना है, फैक्टराइज वो अपने आप हो गया। देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया जी, इसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं सर 5 × x + 4। तो देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आया कि नहीं आया, ये आ गया ना प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फैक्टराइजेशन तो यही हो गया कि किसी भी टर्म को प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना ही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो काम क्या किए, तो यहाँ पे हम कॉमन निकालने वाला काम किए, क्या काम किए, तो कॉमन निकालने वाला काम किए। ठीक उसी प्रकार इसको भी हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो काम भी हम यहाँ पे कॉमन निकालने वाला ही करेंगे, है ना, काम भी हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन निकालने वाला ही करेंगे। तो हम देखेंगे तो हमको पता चला कि यहाँ भी एन स्क्वायर है ना, और यहाँ भी एन है, तो चलो कुछ कॉमन निकालते हैं। इसमें हमारा 2 × n × n है ना, 2n² में क्या है, 2 × n × n, दो बार n है एक बार 2 है, प्लस का प्लस 3 × n है। अब देखिए जो इसमें भी है और जो इसमें भी है, कोई ऐसा टर्म है जो इसमें भी है जो इसमें भी है, हम कहेंगे हाँ सर n इसमें भी है n इसमें भी है, अच्छा n इसमें भी है n इसमें भी है, तो n निकलेगा बाहर और लगेगा ब्रैकेट, n निकलेगा बाहर और लगेगा क्या ब्रैकेट, तो एक n यहां से निकल गया, तो एक n तो कैंसिल, एक एन तो यहां से निकल गया, तो बचा यहाँ पे 2n, और ये भी n निकल गया है, देखो ये भी n बाहर निकल गया ना, तो ये भी n बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या 3, तो ये हमारा फॉर्म बन गया n × 2n + 3, यानी कि ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको हम फॉर्म में डाले तो n × 2n + 3 हो गया, है ना, n × 2n + क्या हो गया बच्चों 3 हो गया। ठीक है तो ये हमारा बन गया, इसका फैक्टराइजेशन हुआ, काम क्या किए कॉमन निकाले। ठीक है अगला अगला में हमारे पास क्या है, फिर से उसको ब्रेक डाउन करो, देखो ध्यान से क्या क्या है इसमें, 3 है × x है × y है ना, 3 × x × x × क्या है बच्चों y है, 3 × x × x × क्या है बच्चों y है, तो थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं हम, और इसमें क्या है 3 × 2 × x × y × y है, है ना, 3 × 2 × x × क्या बच्चों y × y है, देखो 3 दो बार x एक बार y, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 x y और y। अब ध्यान दो दोनों में क्या क्या कॉमन है ना, हम कहेंगे सर देखिए एगो x कॉमन है दोनों में, x को बाहर निकाल दिए, जो कॉमन है उसको हम काट दीजिएगा, है ना, नहीं तो दोबारा लिखा जाएगा, दोबारा लिखा जाएगा तो फिर गलती हो जाएगा, तो x दोनों में था तो x को काट दिए बाहर निकाल दिए, और क्या है, और एगो y है, एगो y भी कट गया, और क्या है, तो और कोई भी चीज दोनों में नहीं है, तो और कोई भी चीज दोनों में नहीं, तो अब बच गया तो क्या लिखाएगा 3 × x − 6 × 2 3 × 2 6 और 6 × y, तो ये हमारा हो गया 6y, ये हमारा क्या हो गया बच्चों 6y, तो ये जो हमारा कॉमन निकला तो ये हमारा कहलाएगा x/3x − अच्छा, एक चीज तो और छूट गया जी, एक चीज तो और छूट गया, देखो तो 3 भी तो दोनों में है, ओ बच्चा मुन्ना यहां आप ध्यान दो, 3 भी तो दोनों में है, 3 भी तो बाहर निकलेगा, तो आपका निकला बाहर क्या क्या 3x y बाहर निकला, 3 निकला x निकला y निकला, 3 निकला x निकला y निकला, अब यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2 × y, तो आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्म बना वो 3xy और x − 2y बना, ये बना 3xy × x − 2y, तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, है ना, इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा कुछ यू प्राप्त होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, क्यों ना प्रोडक्ट करके चेक कर लिया जाए, है ना, प्रोडक्ट करके क्या करते हैं बच्चों चेक कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 का तो 3 रह गया, x × x, x² / y × y, तो y का y रह गया, माइनस का माइनस 3 × 2 6 x × x, तो x रह गया, y × y, y² रह गया, है ना, तो 3x²/-6xy², अरे हाँ सेम है, इसका मतलब हम सही बनाए हैं ना, इसका मतलब जो बनाए हैं वो हमारा सही बना है, तो यही है बच्चों आपका फैक्टराइजेशन, है ना। तो बेसिकली अभी हम आर एस सवाल को लेकर चलेंगे, हम लोग किसको लेकर चलेंगे बच्चों, बेसिकली आर एस सवाल को लेकर चलेंगे, और उसमें हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज है 7A, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन हम और आपको कर देते हैं ना, एक दो क्वेश्चन आपको हम और बता देते हैं। एक क्वेश्चन पहले आप बनाइए, 12x²/q − x³y², ये आपके लिए ट्राई करो सब लोग खुद से, 12x²/q − 21x³y², क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई कीजिए।
सब लोग अपना अपना ट्राई करिए। अभी जो हम क्वेश्चन करवाए बच्चों, तीनों क्वेश्चन आप चाहें तो जब से जब हम क्वेश्चन लिखे थे उसको वीडियो वहीं पे पॉज करके है ना सॉल्व करके खुद से सॉल्व कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करो पहले, इसको सॉल्व करो पहले। एंड योर टाइम इज अप, आपका समय समाप्त हुआ। अब देखिए, देखते हैं किन लोगों का सही है किन लोगों का गलत है ना, मिलाइएगा। हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे है ना, ब्रेकडाउन हम आप लोग कर सकते हैं धीरे धीरे। जब बनाते जाओगे बच्चों, बनाते जाओगे बनाते बनाते फिर अपने आप कॉमन निकालने के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा आपको। लेकिन स्टार्टिंग में कॉमन निकालना बहुत अच्छे से निकालना है। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को फैक्टराइज करो, 12 को दो छ दो नहीं नहीं तीन ना तीन, तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 है ना, फैक्टराइज करके लिखो। स्टार्टिंग में हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे तो हम लोग इसका यूज टू हो ही जाएंगे। और दो गो एक्स, तो दो गो एक्स और बाई तीन गो, तो तीन गो बाई, तो ये हमारा सिर्फ इतना में है, इतना टर्म में हमारा इतना सारा है। अच्छा इसका हम लिखेंगे, इसका भी लिख देते हैं साथ साथ है ना। अभी स्टार्टिंग में बना रहे हैं इसलिए इतना इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, फिर आप भी एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, हम भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी बना लेंगे। 21 को तो आप लिख सकते हैं 3 × 7 है ना, 21 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 × 7, और एक्स क्यू को एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और बाई स्क्वायर को बाई इंटू बाई है ना, कोई नया काम नहीं हुआ है ना। एक्स स्क्वायर को दो गो एक्स बाई क्यू, तीन बाई 21, 7 × 3 एक्स क्यू, तीन गो एक्स बाई स्क्वायर, दो गो बाई हो गया हमारा। अब आई बात कॉमन निकालने की, तो कॉमन निकालने की जो जो आपको दोनों में मिल रहा है पहले उसको कट करके आगे लिखते जाओ। तो पहला तो 3 मिला, 3 आगे लिखा गया, फिर एक्स मिला, एक्स आगे लिखा गया, फिर एक्स मिला, दो दो को एक्स मिल गया, तो फिर आगे एक्स लिखते जाइए, जितना कॉमन आ रहा लिखते जाइए। फिर बाई मिला तो एक बाई लिख दिए है ना, फिर एक और बाई मिला तो एक और बाई लिख दिए है ना। अब क्या बचा, अब तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो दोनों में कॉमन बच रहा है, नहीं अब ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो कि दोनों में हमारा कॉमन बच रहा है। तो बचा क्या, यहां से तीन तो आ ही गया, एक्स भी आ गया, एक्स भी आ गया, बाई भी आ गया, बाई भी आ गया, यानी जो कट गया उसको छोड़िए, जो बच गया है उसको लिखिए। तो ये दो बच गया था, ये दो बच गया था, ये बाई बच गया था, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 4 बाई, माइनस 3 तो कट ही गया था, 7 बच रहा है यहाँ पे, तो 7 एक्स भी कट गया है, एक्स भी कट गया है, एक्स बच रहा है, तो 7 × x 7x है ना, 7 × x हमारे पास क्या हो गया बच्चों 7x हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3x² / y², और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 / -7x। तो ये इसका हो गया बच्चों फैक्टराइजेशन है ना, ये आपका क्या हो गया बच्चों इसका फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली इसमें आप कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट सीख लिए है ना, बेसिक जो टर्म होता है वो कॉमन निकालना होता है, फाइंड आउट द कॉमन है ना, फाइंड आउट द कॉमन। तो कॉमन जब भी अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इसको पूरी तरह सेलिब्रेट कर दीजिए, इसको पूरी तरह सेलिब्रेट कर दीजिए है ना, और उसके बाद जितना भी कॉमन निकालना है कट रहा है उसको बाहर लिखो, बच गया यहाँ पे, बच गया यहाँ पे, उसके बाद 3x² / y² 4 / -7x इज योर रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है ना, इज रिक्वायर्ड योर फैक्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।